Mirchi Bollywood. बीते शुक्रवार को रिलीज हुई अजय देवगन और एलियाना डिक्रूज की नई फिल्म रेड ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धावा बोला है कि हफ्ते के अंदर ये फिल्म साल 2018 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीक ग्रॉसर बन गई है। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 63 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है। इसी के साथ ये पैडमैन की एक हफ्ते की कमाई से भी आगे निकल गई है। ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने अपने ट्वीट अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर इस बात की जानकारी दी है। तरन आदर्श के ट्वीट के अनुसार साल 2018 की टॉप 5 ओपनिंग वीक ग्रॉसर की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। पद्मावत 166 करोड़ 50 लाख रुपए, रेड 63 करोड़ 5 लाख रुपए, पैडमैन 62 करोड़ 87 लाख रुपए, सोनू के टीटू की स्वीटी 45 करोड़ 94 लाख रुपए, परी 22 करोड़ 75 लाख रुपए। फिल्म रेड की पहले 7 दिनों की कमाई को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने दूसरे वीकेंड में भी जबरदस्त आंकड़े दर्ज कराएगी। खैर जो भी हो, अजय ने एक बार फिर अक्षय को हराकर ये साबित कर दिया है वो किसी से कम नहीं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।